चार्ट के हमारे कई सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे हम डाटा सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट पे गए, कोई भी चार्ट ले लिया, चार्ट बन गया हमारा। चार्ट में जो टिपिकल चीज होती है उसकी फॉर्मेटिंग होती है, सारा का सारा फॉर्मेटिंग पे डिपेंड करता है। तो फॉर्मेटिंग में हमें क्या क्या चीज ध्यान देने वाली है, किस पहले हमें पता होना चाहिए कि कितनी चीजें होती है इसके अंदर। तो सबसे पहली जो इसे कहते हैं टाइटल है, ठीक है जी, वैसे ओवर करेंगे तो इस पे आ भी जाएगा, चार्ट का टाइटल है। देन ये जो होते हैं आपके लेजेंड होते हैं, ठीक है जी, यहाँ पे जाएंगे तो ये हॉरिजेंटल कैटेगरी एक्सिस है, ये वर्टिकल एक्सिस है, ये हमारी होती है अपना सीरीज होती है, या देन आपके पास ये जो आपके पीछे दिख रही है ये होता है अभी जो सिलेक्टेड है वो है चार्ट एरिया, प्लॉट एरिया, और इसके पीछे जो हम कहेंगे तो वो चार्ट एरिया कहा जाएगा। ये जो सारा पीछे में है बैकग्राउंड वो चार्ट एरिया, इसको कहते हैं प्लॉट एरिया, जो मैंने पहले सिलेक्ट करके दिखाया। और देन ये छोटी छोटी लाइंस दिख रही हैं, इनको कहते हैं ग्रिड लाइंस, ठीक है जी। तो इन सब की अलग अलग फॉर्मेटिंग होती है। तो अगर आप खाली चार्ट पे यहाँ राइट क्लिक करते हैं, इधर ब्लैंक एरिया में फॉर्मेट चार्ट एरिया करते हैं, तो चार्ट एरिया की फॉर्मेटिंग आती है, जिसके अंदर आप इसकी सबसे पहला ऑप्शन है फिल का, क्या फिल करना चाहते हैं, कलर चूज कर सकते हैं, ठीक है जी, कोई भी कलर यहाँ से चूज किया जा सकता है। देन कोई इफेक्ट फिल करने हैं तो ग्रेडियंट वगैरह, कुछ प्रीसेट कलर्स आपके पास पहले से भी पड़े हैं, इनकी थोड़ी सी सेटिंग्स हैं इसके अंदर, किस तरह से चाहिए ग्रेडियंट स्टॉप। यहाँ हल्की फुल्की सेटिंग है इनकी, सॉलिड फिल, नॉर्मल सॉलिड फिल। कोई पिक्चर डालना चाहते हैं चार्ट में तो यहाँ से पिक्चर डाल सकते हैं, फाइल से लेना है, किसी फाइल में कोई पिक्चर है वो फाइल से पिक्चर आ जाती है। क्लिप आर्ट हमारे पास पहले से पड़ी हुई है, इसमें दिखा नहीं रहा है बट क्लिप आर्ट आप जानते होंगे क्लिप आर्ट क्या होती है, क्लिप आर्ट के अंदर कुछ पहले से पिक्चर होती है वो ले सकते हैं, ठीक है जी। ट्रांसपेरेंसी सेट कर सकते हैं इसकी, कि ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए। अभी देख रहे होंगे चार्ट के आसपास एक लाइन आ रही होगी, तो जो अगला है वो बॉर्डर कलर का है, कोई लाइन नहीं दिखानी, नो लाइन कर दीजिए, तो यहाँ कोई लाइन नहीं दिखाएगा ऊपर, ठीक है जी। फिल को भी मैं क्या कर देता हूँ इसमें, जैसे ही मैं देखिए एक बार, मुझे बार बार ये फॉर्मेट चार्ट एरिया खोलने की जरूरत नहीं, बस एक बार भी मैं जिसको क्लिक करूंगा ना ये उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। अभी फिल में नो फिल कर देता हूँ, और बाहर देखता हूँ मैंने बॉर्डर लाइन जो हटा दी थी वहां पे कुछ नहीं आ रहा है, तो चार्ट मेरा ट्रांसपेरेंट काइंड ऑफ दिख रहा है। अगर मैं यहाँ से सीरीज करूँ तो ये फॉर्मेट डेटा सीरीज में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आ जाऊं फॉर्मेट लेजेंड में चेंज हो जाएगा। तो बार बार इसको खोलने बंद करने की जरूरत नहीं, एक ही जगह से जो भी सेटिंग है एक बार में कर सकते हैं। मान लीजिए आपको ग्रिड लाइंस नहीं चाहिए, सॉलिड लाइन, ग्रेडियंट लाइन, इसमें ऑप्शन है, नो लाइन का ऑप्शन नहीं आ रहा, बाहर निकल के इसको सिलेक्टेड पे डिलीट कर दीजिए। इसी तरह प्लॉट एरिया, प्लॉट एरिया के अंदर आपका अलग से इसमें कलर वलर भर सकते हैं, पर अगर आप चाहते हैं कि इसमें कलर वगैरह ना भरा जाए या ना जाए तो आप इसको यहीं से डिलीट क्या नो फिल करके कर दीजिए आप इसको, ठीक है जी। वो डिलीट करेंगे तो क्योंकि चार्ट डिलीट होगा, इसको जो हम करते हैं वो चार्ट को के एरिया को घटाने बढ़ाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है जी, कि चार्ट का एरिया कैसे आना है। तो देखते हैं पहले और फॉर्मेटिंग देखते हैं इसकी,
यहाँ राइट क्लिक किया, फॉर्मेट चार्ट एरिया में पहला था फिल मेरा, जिसके अंदर कलर भर सकते हैं, बॉर्डर कलर, जो लाइन आती है आपकी बॉर्डर लाइन, बॉर्डर स्टाइल, आपके लाइन स्टाइल्स ही हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लाइन स्टाइल्स हैं कि किस तरीके से आना चाहिए। ठीक है जी, बॉर्डर, देन आपकी ग्रेडियंट लाइन है, जो थोड़ा सा इफेक्ट के साथ लाइन नहीं आती है, आधी चली गई एक जगह गायब हो गई, यहाँ जैसे गायब हो गई, तो ग्रेडियंट लाइन हो गई आपकी, ग्रेडियंट फिल वाली, सॉलिड फिल मतलब एक ही साइड हो गया, यहाँ से फिल में नो फिल, बॉर्डर कलर में सॉलिड लाइन कर दी, किस कलर की चूज कर ली, बॉर्डर स्टाइल्स में बता रहा था, जैसे आप इसके पॉइंट चूज कर सकते हैं, डैश वाली लगानी है डैश चूज कर सकते हैं, कैपिंग स्क्वायर राउंड, ये जब सिंगल लाइन होती है तो उसकी कैपिंग जो होता है ना कोने पे, एक लाइन का कोना उसके लिए होता है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है तो उसकी जरूरत नहीं है। जॉइंट टाइप कैसा होना चाहिए, बेवल राउंड, ये वो सब उसी के लिए है, वैसे तो राउंडेड कॉर्नर में यहाँ से कॉर्नर राउंड हो जाएंगे इसके। ठीक है, देन आता है शेडो, चार्ट की शेडो वगैरह, आपके पास प्रीसेट्स पहले से पड़े हुए हैं, पर शेडो कब दिखाएगा, जब इसमें कोई कलर भरा होगा। तो इसमें जैसे मैंने शेडो, आउटर शेडो, इनर शेडो, अलग अलग ऑप्शन है, आउटर शेडो चूज किया तो मुझे हल्का हल्का यहाँ शेडो दिख रहा है, तो शेडो चूज कर सकते हैं इसमें से, शेडो का कलर चूज कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी कितना होना चाहिए, शेडो का साइज कितना होना चाहिए, शेडो का साइज चूज कर सकते हैं, ब्लर कितना होना चाहिए, तो नीचे से हार्ड सरफेस हो जाता है वो ब्लर हो जाता है इस तरीके से। जैसे 80 पे, 100 पे आ गया थोड़ा। ठीक है जी, एंगल कौन सा होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए नीचे, मतलब यहाँ से यहाँ तक राउंडेड कॉर्नर्स में एंगल घूमेगा, इससे कितना दूर होना चाहिए, डिस्टेंस कितना होना चाहिए, उस डिस्टेंस आप चूज कर सकते हैं। देन 3D फॉर्मेट है आपके पास, 3D फॉर्मेट वाला लुक देना है इसको, किसको, अपने ये चार्ट एरिया को। ठीक है, थ्री डी का ये हो गया चार्ट एरिया के लिए आपकी सेटिंग। देन आते हैं अपने प्लॉट एरिया पर, प्लॉट एरिया के लिए भी सेम सेटिंग है, वही फिल वाली, कलर भरने की, अलग अलग कलर चूज कर सकते हैं, पिक्चर कोई डाल सकते हैं, बॉर्डर में भी बॉर्डर है, इसके भी बॉर्डर हैं, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, वैसे इसको नो फिल और उसी के साथ चलने दे बेटर है। शैडो में भी वही चीज है, इसके साथ भी 3D फॉर्मेट भी वही है। ठीक है जी, टाइटल, टाइटल के भी कलर हैं, टाइटल के अंदर क्या कलर चाह रहे हैं आप। ठीक है, ग्रेडियंट पिक्चर वही सब है, ट्रांसपेरेंसी सेट करना चाहें ट्रांसपेरेंसी सेट हो जाए, ये ट्रांसपेरेंट दिखना चाहिए, शेडो, 3D फॉर्मेट, अलाइनमेंट, अलाइनमेंट इसमें थोड़ा डिफरेंट है, अलाइनमेंट आप कहाँ रखना चाहते हैं, टॉप, मिडल, जब थोड़ा सा टाइटल बड़ा हो तो ये हमारा अलाइनमेंट काम करता है। टेक्स्ट डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, एक तो सीधे में, एक इस तरह से, एक ऐसे और एक ऐसे, तो जैसे मर्जी इसमें चूज कर सकते हैं। कस्टमाइज एंगल, मैंने कहा 45 के डिग्री पे दिखाओ तो एंगल चूज कर सकते हैं। ठीक है जी, इसका हो गया,
लेजेंड में भी सेम आपके इसी तरह से ऑप्शन है। लेजेंड आपका किस साइड होना चाहिए, यहाँ पे ये ऑप्शन है, टॉप पे करेंगे यहाँ आ जाएगा, बॉटम पे नीचे आ जाएगा, लेफ्ट राइट टॉप राइट। लेजेंड आप यहाँ दिखा सकते हैं, इनके कलर्स हैं बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर कलर बॉर्डर स्टाइल वही है, लाइन कलर शेडो आपका सेम है उसी की तरह, इनर शेडो आउटर शेडो जो भी है, ठीक है जी। देन अपने चलते हैं कैटेगरी एक्सिस पे। कैटेगरी एक्सिस में एक चीज आपकी और बढ़ जाती है, नंबर फॉर्मेटिंग, ठीक है जी। पहले तो एक्सिस ऑप्शन देखते हैं, एक्सिस ऑप्शन है आपके जो भी हैं, इसमें टेक्स्ट ये जो भी डेटा है उस हिसाब से ये एक्सिस ले लेगा, जैसे कई बार होता है डेट तो डेट ले लेता है, तो ये मतलब ऑटोमेटिक है, उसमें इतना ज़्यादा इसमें फिक्र करने की जरूरत नहीं। बाकी जो इसके टिक मार्क्स हैं यहाँ पे आप देख रहे होंगे छोटे छोटे टिक मार्क्स हैं, वो अंदर की साइड होने चाहिए, बाहर की साइड होने चाहिए, क्रॉस कर रहे चाहिए, आप क्रॉस कर गए, यहाँ मेरे ख्याल से कलर की वजह से नहीं दिखता, इसको कलर को मैं नो फिल कर देता हूँ। हाँ तो अब एक्सिस देखेंगे, तो ये जैसे क्रॉस हो गए, ठीक है जी, नन कोई टिक मार्क्स नहीं चाहिए, माइनर चाहिए कि नहीं, माइनर वाले टिक मार्क होते हैं हमारे, एक छोटे होते हैं एक बड़े होते हैं, मेजर माइनर, एक्सिस लेबल, लेबल कहाँ होने चाहिए, नेक्स्ट टू एक्सिस सबसे ऊपर होने चाहिए, लो में डाउन में नन में, मतलब होने ही नहीं चाहिए, तो यहाँ से ये सेटिंग है इसकी। देन वर्टिकल एक्सिस क्रॉस एट मैक्सिमम कैटेगरी, पोजीशन एक्सिस, ठीक है जी, टिक मार्क पे पोजीशन करना है कहाँ करना, छोटी मोटी सेटिंग है। देन आपकी होती है इसमें नंबर फॉर्मेटिंग, जिसमें आप इसका नंबर सेट कर सकते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे कुछ नंबर फॉर्मेटिंग लाइक डेटा होता, जैसे क्या इसमें ऐड कर लेते हैं कुछ डेटा, डेट ये डेटा है, ठीक है जी। अब इसमें मुझे डेटा ऐड करना है, इस पर क्लिक करूंगा मुझे ये नीला बॉर्डर दिख जाएगा, ये बस मैंने डेटा ऐसे बढ़ा देना, यहाँ पे आ गया, पर यहाँ पे कुछ और आ रहा है जो हम देख रहे हैं, इसको दोबारा से बना लेते हैं पूरे को, ठीक है जी। अब डेट आ गई सही जगह अपनी, इसकी फॉर्मेटिंग देखते हैं, फॉर्मेट एक्सिस में नंबर फॉर्मेट जो है इसमें आप कोई भी फॉर्मेट चूज कर सकते हैं, जैसे डेट में मुझे वो फॉर्मेट पसंद नहीं, खाली ऐसे डेट वाला है, तो यहाँ से नंबर फॉर्मेट मैं चूज कर सकता हूँ इसके अंदर। कलर क्या होना चाहिए, कलर आप चूज कर सकते हैं वही वाला, लाइन कलर, सॉलिड लाइन, नो लाइन, लाइन स्टाइल भी सेम, शेडो भी सेम, 3D फॉर्मेट, अलाइनमेंट, अलाइनमेंट कैसा होना चाहिए, टॉप मिडल, जब ज़्यादा डेटा हो इसके अंदर तो अलाइनमेंट करता है, बाकी टेक्स्ट कैसा होना चाहिए, यहाँ से स्टैक, तो इसमें ये छोटी मोटी सेटिंग आपके फॉर्मेट के अंदर होती है। इसी तरह से आपकी वाई एक्सिस की सेटिंग है, यहाँ जो एक्सिस दिख रहा है आपको, अब मान लीजिए मेरा डाटा जो था करेंसी में था, तो मैं यहाँ से नंबर फॉर्मेट में करेंसी पे सेट कर सकता हूँ। एक ऑप्शन एक्स्ट्रा है इसमें, वैल्यू इन रिवर्स ऑर्डर, अभी 0 से 90 जा रहा है, वैल्यू इन रिवर्स ऑर्डर तो 90 से 0 पे आएगा, ठीक है, चार्ट थोड़ा चेंज हो जाता है इसमें,
ठीक है, देन नंबर फॉर्मेट, मैं जैसे मैंने बता रहा था कि करेंसी लेनी है, डॉलर ले लिया, रुपी ले लिया वहां से, ठीक है जी, वो ले लिया हमने। बाकी फिल, लाइन कलर, लाइन स्टाइल, शेडो, 3D फॉर्मेट, अलाइनमेंट सेम है, ठीक है जी। देन एक चीज और होती है, आपको इस पे चाहते हैं कि इसके ऊपर वैल्यू दिखाए, तो इसको राइट क्लिक करें, ऐड डेटा लेबल्स, ऐड डेटा लेबल्स आ गए। अब राइट क्लिक करेंगे इन डेटा लेबल्स पे, इनकी भी अलग सेटिंग है, फॉर्मेट डेटा लेबल, ठीक है जी। इसमें क्या होना चाहिए, सीरीज नेम होना चाहिए, कैटेगरी नेम होना चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ से दे सकते हैं। किस जगह होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए, इनसाइड एंड, इनसाइड बेस, आउटसाइड एंड, यहाँ से चूज कर सकते हैं। इसमें भी नंबर फॉर्मेट है आपका, मान लीजिए करेंसी में था ये, तो करेंसी वाला लगा सकते हैं। ठीक है जी, देन फिल में कलर कौन सा होना चाहिए इसके अंदर, अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, बॉर्डर कलर सब, अलाइनमेंट, वही सारी चीजें। बीच में दिखाना है कभी हमें, तो इस तरह से टेक्स्ट डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, और देन यहाँ से जो था सेंटर में चूज कर दिया, अब इसके अंदर आ गया। ठीक है जी, डेटा लेबल, डेटा लेबल के बाद देखिए, इन सब में क्या होता है ना, ये मल्टीपल सिलेक्ट हो रहे हैं, मल्टीपल सिलेक्ट हो रहे हैं। अगर आपको किसी को एक को सिलेक्ट करना है ना, तो उस पर एक बार क्लिक कर दीजिए, तो सिंगल सिलेक्ट होगा और उसकी फॉर्मेटिंग चेंज होगी। इसी तरह हमारी जो ये वैल्यूज होती हैं ना, जब ये डेटा पॉइंट्स की, इनकी भी ऐड फॉर्मेट डेटा सीरीज, तो इनके भी ऑप्शन है, सेपरेटेड ओवरलैप्ड, सेपरेटेड, सेपरेटेड ओवरलैप्ड अभी नहीं चलेगा, इसमें कब चलेगा, जब दूसरा डेटा दे दूंगा मैं साथ में। ठीक है जी, यहाँ क्लिक किया, इसको नीले एरिया को मैंने बढ़ा दिया, यहाँ दोनों आ गई, सेल्स टू भी ले गया। अब ये इसमें मैं किसी को सिलेक्ट करता हूँ, नीली वाली एक साथ हो रही है, लाल वाली एक साथ हो रही है, फॉर्मेट डेटा सीरीज, सेपरेटेड ओवरलैप्ड, ओवरलैप्ड क्या होती है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगी, सेपरेटिंग में अलग अलग हो जाएगी। ठीक है जी, गैप कितना होना चाहिए इनका, लार्ज गैप, इनके बीच का कितना गैप होना चाहिए, नो गैप, ठीक है जी, तो गैप चूज कर सकते हैं। एक्सिस कौन सा होना चाहिए, प्राइमरी एक्सिस, सेकेंडरी एक्सिस, ठीक है जी, चार्ट टाइप है बेसिकली, प्राइमरी और सेकेंड कौन सा होगा, सेकेंडरी एक्सिस में एक मतलब कौन सा एक्सिस होता है, प्राइमरी और कौन सा सेकेंडरी, जैसे इसी चार्ट के अंदर प्राइमरी कौन सा होगा और सेकेंडरी कौन सा होगा। प्राइमरी का ऐसा है ना, ये एक के ऊपर ओवरलैप्ड आ जा रहा है, ठीक है जी, और कोई डिफरेंस नहीं, बाकी तो सेम ही है, ओवरलैप्ड चल रहा है, वही ओवरलैप्ड वाला यहाँ से किया था ना, वही हो जा रहा है, और कोई वो नहीं।
वैसे तो एक्सिस तो बेसिकली ओरिजिनली तो ये होने चाहिए कि कौन सा प्राइमरी होना चाहिए, ये चेंज होना चाहिए, ठीक है जी। ठीक है जी, बाकी सब इसकी कलर फॉर्मेटिंग है और कुछ इसमें है नहीं। एंड अब जैसे हमने देखा डेटा सीरीज का, इनको डेटा सीरीज बोलते हैं, किसी एक का करना है तो आपको दोबारा क्लिक करना पड़ेगा, तो आपका एक फॉर्मेट डेटा पॉइंट आएगा। अब इसका कलर चाहूँ तो मैं अलग चूज कर सकता हूँ, ठीक है जी, अगर मुझे किसी सिंगल का चूज करना है। देन एक चीज और ऐड करते हैं, हम राइट क्लिक करेंगे एनी डेटा पॉइंट के ऊपर, ऐड ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन का अलग वो होता है कि मतलब कहाँ से कैसे कैसे गया है, लीनियर एक्सपोनेंशियल पावर जो भी होता है अलग होता है, साइंटिफिक चीज है, ठीक है जी। मूविंग एवरेज, इसमें लाइन कलर, लाइन स्टाइल, शैडो सेम चीज है, ठीक है जी। ट्रेंड लाइन बेसिक एक एनालिसिस हो गया इसका, इसमें ये तीसरा ये ऐड हो गया, इसको हटा देता हूँ। अब मान लीजिए इसमें ना एक था सेल्स और एक टारगेट था, इसको मैं बदल लेता हूँ टारगेट में, ठीक है जी। अब मुझे लाल वाला टारगेट है, अब मुझे ये पता करना है कि टारगेट कितना अचीव हुआ, यानी कि मतलब इसमें क्या करना है, लाइन सी बन के आ जाए टारगेट की, और इसमें जो छू रहा है वो टारगेट से पार है वो नहीं, वो है कि नहीं, तो इसमें राइट क्लिक करके चेंज सीरीज चार्ट टाइप करना है, ठीक है जी। जो सीरीज सिलेक्टेड होगी उसी का चार्ट टाइप चेंज होगा, तो चार्ट टाइप में मैं इसको किस में कर देता हूँ, लाइन चार्ट में, लाइन में, ओके। तो मेरा वो जो लाल वाली जो आ रही थी वो लाइन में चेंज हो गई, ठीक है जी। जैसे इसमें टारगेट ज्यादा था, इसने कम अचीव किया है, ठीक है जी। अगर इसमें चाहते हैं तो चाहे तो ऐड डेटा लेबल्स इसमें कर सकते हैं कि टारगेट कितना था, अचीव कितना किया है, ठीक है जी। कुछ इसमें ट्रेंड लाइन, हम मतलब एक सीरीज जैसे दो तीन का डाटा हो ना, किसी को लाइन चार्ट और इसमें स्विच कर सकते हैं आपस में, एक ही चार्ट में दो टाइप के वो आ गए। देन कॉलम चार्ट जो होता है बेसिकली कंपैरिजन के लिए होता है हमेशा, ठीक है जी। अब कॉलम चार्ट में एक प्रॉब्लम होती है कि आपके पास कुछ लिमिटेड डेटा है उसी तक दिखा सकते हैं। अभी आप देख लीजिए इसमें ही थोड़ा सा ज्यादा डेटा हुआ था, तो और बढ़ाता हूँ तो इसमें मतलब इनविजिबल सा हो जाएगा। इस जगह पे हमारा क्या करता है, लाइन चार्ट हेल्प करता है। मान लीजिए हमारी सेल्स ऐसी चलती चली गई, ठीक है जी। सेल्स टारगेट, इस तरह से ज्यादा डाटा हो गया जब हमारे पास, मतलब दिन वाइज आगे बढ़ा है या वैसे आगे बढ़ गया, उसमें हमारा चलता है अब यहां मैंने पूरा ले लिया।
इंसर्ट लाइन चार्ट, तो आपका ये लाइन चार्ट बन के आ गया। ठीक है जी, इसमें थोड़ा सा आपको एक विजिबिलिटी क्लियर रहती है इसकी डेटा की, कि हमारा ट्रेंड कैसे चल रहा है। ज़्यादा डेटा में लाइन चार्ट इसीलिए यूज़ करते हैं कि एक ट्रेंड जान सकें। जैसे ईईजी मशीन होती है ना, ईसीजी मशीन, इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राम जो करती है, उसमें भी यही होता है कि ट्रेंड जानते हैं कि धड़कन कितने टाइम पे कैसे चल रही है, डाउन तो नहीं जा रही कुछ समय बाद। तो उसी की तरह से ये धड़कन ही हो गई बिजनेस की। जब ज़्यादा डेटा आपको देखना तो लाइन चार्ट आप यूज करते हैं। देन एक आपको कॉलम चार्ट में एक सेटिंग दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कुछ बैंक्स हैं या अकाउंट है, एक SBI का हुआ, एक PNB का हुआ, IDBI का हुआ, HDFC का हुआ, इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट हमारी पड़ी है। ठीक है जी, अब इसका चार्ट बना देते हैं, इंसर्ट कॉलम चार्ट ही बना देते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे एक आपके पास बटन है डिजाइन के अंदर, स्विच रो कॉलम। ठीक है जी, तो रो कॉलम में चेंज हो गया, कॉलम रो में हो जाएगा। कई बार चार्ट गलत बन के आया आपके सामने, पहले क्या आया था, इस तरह से आया था। ठीक है जी, रो कॉलम का यूज करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, अब क्या है कि मुझे अलग अलग पहचानने हैं कि कौन सा बैंक का कौन सा है। अभी क्या हो रहा है कि मुझे इधर का रेफरेंस के लिए इनको देखना पड़ रहा है। मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ कि यहीं पे मुझे पता पड़ जाए कि ये IDBI का है, ये SBI का, ये उसका है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, थोड़ा पिक्चर का सहारा लूँगा इसमें। तो पिक्चर को यूज़ करने के लिए चार्ट में मैं जाता हूँ गूगल पे, लोगो एक चूज करता हूँ, SBI लोगो। ठीक है, इमेजेस में जाके जो बढ़िया सा लोगो हो उसको चूज कर लेता हूँ। थोड़ा लंबा सा और ठीक ठाक सा। ये ले लेता हूँ, बाकी एडजस्ट कर लूंगा मैं। कॉपी इमेज यहाँ पेस्ट की मैंने, आ गई इमेज। ठीक है, थोड़ा पिक्चर टूल्स है मेरे पास, यहाँ से मैं कॉर्प वगैरह कर सकता हूँ, जितना चाहिए उतना रख सकता हूँ। यहाँ से मैं कट कर देता हूँ, इतने तक ही रखता हूँ। ठीक है जी, कॉप। देन मैंने क्या करना है, कंट्रोल सी कर दिया, घुमा के कंट्रोल सी कर दिया इसको। कंट्रोल सी का मतलब होता है कि मेरे क्लिप बोर्ड पे आ गया। अब मैं यहाँ गया SBI वाले पे, राइट क्लिक, फॉर्मेट डेटा सीरीज, फिल में गया, पिक्चर टेक्स्ट में, यहाँ पे क्लिप बोर्ड था मेरा, तो क्लिप बोर्ड पे कंट्रोल सी के बाद क्लिप बोर्ड पे पड़ी है पिक्चर, यहाँ आ गए। ठीक है जी, अब पहचानने में आसानी है मेरे। ठीक है जी, दूसरा रहा PNB का। मान लीजिए मेरे पास पिक्चर नहीं है, अब कैसे करना है, तो हम पिक्चर खुद यहाँ बना भी सकते हैं, शेप्स में से कोई भी ले लीजिए।
ठीक है जी, यहाँ पे मैंने लग दिया PNB, और इसको मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा बड़ा। PNB का, और मुझे ये पिक्चर में चाहिए होगा, तो पिक्चर के लिए क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पेस्ट स्पेशल में है ना, होम पेस्ट स्पेशल में एज पिक्चर, कॉपी एज पिक्चर कर लीजिए। ओके, इसको मैं डायरेक्ट क्लिकबोर्ड पे क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि इसके पास ये ब्लैंक एरिया आ जाता है जब पिक्चर में कन्वर्ट करते हैं इसको, तो ये ब्लैंक एरिया मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रॉप करना पड़ेगा पिक्चर टूल से। तो ये मैं जितना चाहिए उतना क्रॉप कर लेता हूँ, ठीक है जी। देन कंट्रोल सी और PNB के उसमें गया, फॉर्मेट डेटा सीरीज, फिल पिक्चर्स एंड टेक्सचर क्लिपबोर्ड, ठीक है जी। इनको बेशक से मैं डिलीट कर देता हूँ, कई बार क्या होगा आपके, आप जब वेब से पिक्चर लाएंगे ना तो आएगी नहीं, आप कंट्रोल भी कितना करें वो आएगी नहीं आपकी, जैसे ये वाला है, इसको देखते हैं होती है नहीं होती, कॉपी इमेज पेस्ट, यहाँ हो रही है। कई बार अगर नहीं होती है तो आपने क्या करना है, सिंपल एमएस पेंट खोल लीजिए और एक बार कंट्रोल भी वहां मारेंगे यहाँ आ जाएगी, देन कंट्रोल सी यहाँ से फिर से करके फिर यहाँ पेस्ट करेंगे तो हो जाएगी। कई बार ये दिक्कत आ सकती है, पिक्चर आप कॉपी करें और यहाँ पे ना दिखाएं, ठीक है जी। तो पेंट में करके उसको कर सकते हैं, ठीक है जी। अब थोड़ा सा इसको मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ, फॉर्मेट चार्ट एरिया, यहाँ पे मैं ग्रेडियंट फिल लगा देता हूँ, ग्रिड लाइंस डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, डिलीट के बटन से। फॉर्मेट प्लॉट एरिया, प्लॉट एरिया में मुझे नो फिल चाहिए और नो लाइन चाहिए, बॉर्डर मुझे लाइन कोई नहीं चाहिए। तो मान लीजिए इस तरह से मैंने बड़ी मेहनत करके एक चार्ट बना लिया, अब नेक्स्ट डे मुझे सेम, मतलब या कभी सेम ऐसा ही चार्ट बनाना है जिसमें सेम फॉर्मेटिंग करनी है, ठीक है जी। तो उस केस में क्या करेंगे, मान लीजिए मैंने कोई चार्ट बना दिया, फॉर्मेटिंग सेम करनी है, तो क्या करेंगे, चार्ट को सिलेक्ट कर लीजिए पूरे को, पूरे चार्ट को यहाँ से क्लिक करेंगे, चार्ट सिलेक्ट है, कंट्रोल सी करेंगे, ठीक है जी। कॉपी किया हमने, इस चार्ट को सिलेक्ट कर लिया, देन क्या करेंगे, पेस्ट स्पेशल में चले जाएंगे और फॉर्मेट्स को ओके कर देंगे, ठीक है जी। तो आपके फॉर्मेट्स वहां से कॉपी हो जाएंगे, पहले चार्ट ढंग से बना लेते हैं, यहां से तो डेटा गायब हो गया। तो इंसर्ट चार्ट इस तरह से आया था, ये कर दिया मैंने, तो चार्ट है, फॉर्मेट्स कॉपी, अगली शीट पे यहाँ पेस्ट स्पेशल फॉर्मेट्स ओके, सेम फॉर्मेटिंग आपकी चार्ट पे तुरंत पेस्ट हो जाएगी, ठीक पहले चार्ट है। बनाना पड़ेगा होगा। हाँ, मतलब जैसे दूसरे पे अगर आपको फॉर्मेट कॉपी करना है ना, तो उसके लिए है। उसके लिए है ये ऐसी, ठीक है जी। तो चार्ट पे इमीडिएट आपका वो हो जाएगा। कई बार क्या होता है, बहुत बढ़िया बढ़िया चार्ट आप बना के रखेंगे कंपनी के लिए, तो उसमें ये चीज़ आपके काम आ जाती कई बार। देन देखते हैं पाई चार्ट, तो कॉलम का चार्ट आपका कंपैरिजन का हो गया,
लाइन का चार्ट होता है आपका, जो फ्लो में डेटा होता है, लार्ज डेटा होता है एक फ्लो लाइन देखने के लिए, ठीक है जी। देन तीसरा होता है आपका पाई चार्ट। पाई चार्ट जो होता है आपका, वो कंट्रीब्यूशन दिखाना हो जब आपको कहीं, ठीक है जी। मान लीजिए इसका कंट्रीब्यूशन दिखाना है कि हर एक बैंक पे टोटल मेरे फंड्स जो भी हैं इतने इतने इस बैंक में पड़े हैं, तो इसी से आप यहाँ से पाई चार्ट ले सकते हैं, ठीक है जी। पाई चार्ट में क्या है, राइट क्लिक, फॉर्मेट डेटा सीरीज, ठीक है जी। डेटा सीरीज वही है, चार्ट एरिया इसका यहाँ से ले सकते हैं, जो भी कलर भरना हो ना भरना हो, ठीक है जी। यहाँ पे मुझे वैल्यू चाहिए तो ऐड डेटा लेबल्स, डेटा लेवल की अपनी सेटिंग है, अंदर बाहर कैसे करना है। यहाँ पे परसेंटेज में दिखा सकते हैं, एक एडवांस ऑप्शन होता है इसमें, परसेंटेज में दिखा सकते हैं। तो वैल्यू नहीं चाहिए मुझे, परसेंटेज चाहिए। कहाँ होने चाहिए, सेंटर में होने चाहिए, इनसाइड एंड आउटसाइड एंड बेस्ट पे, जहां भी लेना चाहें ले सकते हैं उनको, ठीक है जी। नंबर फॉर्मेटिंग इनकी चूज कर सकते हैं, ठीक है जी। बाकी चीज इसमें सेम है। एक और चीज है कि कई बार क्या होती है, आपकी वैल्यू बहुत कम होती है। मान लीजिए ये गई वैल्यू, और लास्ट में क्या हो गया, यहाँ पे मैंने क्या कर दी, 3, 2, 1, 0.5, ठीक है जी। ABC, DB, तो ऐसे आपका इसमें चार्ट आ गया, मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब सबसे छोटी वाली है वो हम पहचान नहीं पा रहे कि है क्या उसके अंदर, ठीक है जी, क्योंकि उसमें बहुत कम वैल्यू है। इस केस के लिए होता है आपका पाई ऑफ अ पाई चार्ट। आप इसको सिलेक्ट कर दीजिए, यहाँ पाई है, ये पाई ऑफ पाई है, ठीक है जी। तो पाई के अंदर से एक पाई और निकल के आ रही है। डेटा पॉइंट दे देता हूँ इसमें, एड डेटा लेबल्स दे देता हूँ, ठीक है जी। तो इसमें दिखा रहा है 3, यहाँ अलग दिखा रहा है, 3.5 अलग दिखा रहा है, मतलब ये अलग से दिखा रहा है। उनका ब्रेकअप इसमें दिखा दे रहा है, 1, 2, ये 3.5 का टोटल क्या है, बाइफरकेशन यहाँ है। तो इसमें राइट क्लिक करें, फॉर्मेट डेटा सीरीज, हाँ सेकंड पाई में क्या कंटेन होना चाहिए, लास्ट 3 वैल्यूज, मैंने कहा 4 वैल्यूज होनी चाहिए, ठीक है जी। तो अब ये 4 वैल्यूज को ले लेगा लास्ट की, ये जो है 6.5 का डाटा वो इसमें आ गया, ठीक है जी। तो इस तरह से पाई ऑफ पाई चार्ट का हम यूज करते हैं। इसके अलावा जो बाकी चार्ट्स हैं हमारे, बाकी चार्ट सेम होते हैं, उसमें कुछ खास नहीं है। जैसे कि हमने देखा कॉलम चार्ट की तरह ही हमारे बार चार्ट, इनके अलग अलग ऑप्शन है, 3D बार चार्ट, सिलेंडर में उन्हें कोन के तरह दिखाने, पिरामिड की तरह दिखाने, इसी तरह से लाइन में भी इसी तरह से अलग अलग उसके 3D लाइन है, पाई के हो गए, बार में सेम है। एरिया चार्ट हो गया आपका, लाइन चार्ट की तरह ही होता है, बस ये नीचे से लेके चलता है। जैसे यहाँ आ गया, तो एरिया चार्ट आपका लाइन चार्ट की तरह ही है, सिमिलर ही है, कोई इसमें अलग से नहीं है कुछ भी। देन स्कैटर चार्ट है, लाइन चार्ट के जो बिंदु होते हैं वो करता है। देन उसके बाद आपके थोड़े से अलग से अदर चार्ट्स में अलग चार्ट है, स्टॉक चार्ट है, सीधी सीधी लाइन है, ये स्टॉक मार्केट में यूज होते हैं वैसे, अपना कोई यूज। सरफेस चार्ट है, ये 3D लाइन का ही एक रूप है,
देन डोनट चार्ट है, ये आपका पाई चार्ट की तरह है, डोनट चार्ट आपका पाई ही है एक तरह से, ठीक है जी। तो ये है आपका जो जनरल फीचर्स हैं आपके जो भी हैं, बाकी चार्ट्स का कोई यूज नहीं है, ठीक है जी। स्पाइडरमैन बना दिया पूरा ये इसमें चार्ट का। ठीक है जी, तो बाकी ये आज हमने पढ़े थे वो जनरल ऑप्शन थे, बाकी जो नेक्स्ट करेंगे हम वो एडवांस ऑप्शन करेंगे, इसके बाद सारा खेल शुरू